तो हेलो गाइस, क्या हालचाल? बढ़िया सब। तो गाइस एकदम दोबारा से खेलने वाले यहाँ पर GTA 5। और गाइस आज हम यहाँ पर अपने इंडियन कार वर्सेस गाइस GTA 5 की जो स्टॉक गाड़ियाँ है यार, उनके बीच में गाइस लॉन्ग जंप चैलेंज करने वाले हैं। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो आज का जो अपना रैंप है भाई, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट रैंप है। तो गाइस यहाँ पर जो है रैंप भी और काफी ज्यादा बड़ा है। और गाइस यहाँ पर जो है गाइस अपना जंप पॉइंट है, तो यहाँ से अपनी गाड़ियों को जंप लेना है। और जो भी गाड़ी गाइस आज यहाँ पर सबसे लंबा जंप करेगी भाई, वो आज के चैलेंज में विनर होने वाली है। तो देखते हैं गाइस अपनी इंडियन कार जो है वो ज्यादा मतलब वो जीतेगी या फिर अपनी GTA 5 की गाड़ियां जीतेंगी। क्योंकि मेरे को एक भाई का कमेंट आया था काफी मतलब हो गया 2-3 दिन वीडियो मतलब पहले, तो उन्होंने बोला था कि अनमोल भाई अपना किसी नॉर्मल लैंप पे भाई इनका चैलेंज करो। तो आज चलो गाइस अपन लोग यहाँ पर नॉर्मल लैंप पे चीज ट्राई करने वाले हैं और देखने वाले हैं गाइस कि अपनी इंडियन गाड़ियां ज्यादा पावरफुल है या फिर अपनी GTA 5 की गाड़ियाँ। तो देखते हैं गाइस क्या रिजल्ट रहता है। बाकी तुम लोग वीडियो को एंड तक देखो और वीडियो अच्छी लगे यार तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, हम लोगों ने सबसे पहले अपने इंडियन कार जो ली है वो है गाइस अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो। एंड लेट्स गो गाइस, देखते हैं अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड भाई कितना लंबा जंप करने वाली है। एंड फिलहाल ये चले गाइस अपने स्कॉर्पियो एंड, और स्पीडोमीटर पे तुम लोग नज़र गड़ा के रखना कि गाड़ी की स्पीड कितनी जा रही है। फिलहाल जो है तुम्हारा भाई तो भाई फुल एकदम ड्राइविंग करने पर फोकस करने वाला है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ हुई ना तो भाई खेल खल्लास हो सकता है। एंड लेट्स गो गाइस, स्कॉर्पियो काफ़ी खतरनाक स्पीड से जा रही है भाई साहब यहाँ पर। और ये मारा गाड़ी ने जंप गाइस, और गाड़ी जिस पॉइंट पे आके जंप करेगी मैं वहीं पर ब्रेक मारने का ट्राई करूँगा, क्योंकि ज़्यादा दूर तक जाएगी तो थोड़ा सा जजमेंट लेने में गड़बड़ हो सकती है। और भाई ये गाड़ी तो पूरी उलटती पुलटती यहाँ तक आई, अब तो मैं भूल भी गया कि गाइस यहाँ पर कौन सी गाड़ी कितनी दूर तक आई है। तो चलो अपन एक काम करते हैं, जो गाड़ी जितनी दूर रुकेगी हम लोग उसी को मतलब उसका जंप पॉइंट मानेंगे। ओके गाइस, हमने जो पहली GTA 5 की गाड़ी ली है वो भी गाइस यहाँ पर एक SUV कार है। और मैं सही बता रहा हूँ भाई, इन GTA 5 की गाड़ियों के नाम बहुत ज़्यादा अजीब है, तो याद रखना तो भाई टोटली लाइक तुम लोग समझ सकते हो यार कि कितना मुश्किल है इनका नाम याद रखना। तो मैं भाई नाम वाम किसी का भी नहीं ले रहा हूँ, मैं बस GTA 5 की गाड़ी यहाँ पर बोलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इजी भाई है और तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इजी होगा गाइस इस वीडियो को लाइक करना। हाँ, तो जिसने भी लाइक नहीं करा है भाई लाइक कर दो यार जाके फटाफट से। बाकी तुम लोग देख सकते हो गाइस इसकी जो टॉप स्पीड है काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, और गाड़ी ने जंप मार दिया है गाइस यहाँ पर। एंड लेट्स ये गाड़ी कितनी दूर तक जाती है। फिलहाल मैं यहाँ पर ब्रेक मारना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो भाई गाड़ी रुकेगी नहीं। एंड चलो ये गाड़ी जो है गाइस यहाँ पर आके लैंड हुई, और पीछे देखो भाई अबे फाइटर जेट प्लेन आ रहा है भाई साहब। ओए गाड़ी मत उड़ा दियो मेरी, अबे यार नल्ले ने गाड़ी थोड़ी सी आगे खिसका दी भाई। ये यहाँ पर ना बस यही दिक्कत है यार, ये फाइटर जेट ना बहुत परेशान करते हैं। तो लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर लेके जाने वाले हैं गाइस अपनी लेजेंडर को। एंड गाइस मेरे को लगता है लेजेंडर काफ़ी दूर तक यार जा सकती है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है छोटी सी, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ी यार गाइस थोड़ी सी भारी है, बट नो डाउट इसकी इंजन में बहुत जान है भाई, मजाक से एकदम बहुत पावरफुल कार है गाइस अपनी लेजेंडर यहाँ पर। एंड फिलहाल तुम लोग देख सकते हो यार स्पीड भाई काफ़ी क्रेजी स्पीड है गाइस लेजेंडर के यहाँ पर। एंड लेट्स सी ये गाड़ी कितनी दूर तक जंप कर पाएगी, और भाई जंप तो काफ़ी ठीक ठाक है। एंड यहाँ पर अभी ब्रेक मारने पड़ेंगे तुम्हारे भाई को। एंड रुक जा, ओ भाई लेजेंडर गाइस यहाँ पर आके रुकी है, एंड ये है इसका जंप पॉइंट। ओके गाइस, अगली जो हमने GTA 5 की गाड़ी ली है वो है गाइस यहाँ पर सस्ती पोर्शे। हाँ, ये पोर्शे की एक SUV आती है ना, उसके जैसी लाइक लगभग उसी के जैसी लगती है, और शायद से लोगों ने भाई पोर्शे की सस्ती कॉपी बनाने का पूरा ट्राई करा है, मतलब नाम चेंज है बाकी गाड़ी ओवरऑल पूरी कॉपीड है। तो फिलहाल इसकी स्पीड यार काफ़ी क्रेजी है, और इंजन देख रहे हो गाइस कितना खतरनाक चल रहा है भाई, ऐसा लग रहा है भाई इंजन फटने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड कर रहा है। एंड ओके, स्पीड ऑलमोस्ट लेजेंडर के बराबर इसने अचीव कर लिया गाइस, अब देखते हैं कितनी दूरी तय कर पाती है। एंड फिलहाल अभी तक जो है गाइस अपनी इंडियन कार ही सबसे ज़्यादा आगे है, और ओ भाई ये लेजेंडर से थोड़ा आगे आ गया क्योंकि इसके ब्रेक थोड़े से नल्ले टाइप के थे यार। गाइस हमने अगली गाड़ी ली है गाइस अपनी महिंद्रा के बोलेरो, अपनी देसी बोलेरो है गाइस, और लेके चलते हैं भाई साहब यहाँ पर। एंड देखते हैं गाइस क्या रिजल्ट रहता है यार, क्या अपनी गाइस मैं यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि भाई आज के चैलेंज में विनर कौन होगा, मतलब टॉप 3 गाड़ियाँ कौन सी रहने वाली है, ये भी एक मैटर करता है। तो देखते हैं क्या होता है भाई, वीडियो तुम लोग एंड तक देखते रहो, तुम्हें रिजल्ट क्लियरली पता लग जाएगा, क्योंकि तुम लोग अगर स्किप करके देखोगे ना तो शायद तुम लोग मतलब होता है ना ऐसा मज़ेदार कुछ फनी मोमेंट मिस कर दो। तो वीडियो को पूरा देखा करो गाइस पूरा,
एंड फिलहाल अपनी जो देसी बुलेरो है, ओके बस देसी बुलेरो थोड़ी सी पीछे रह गई यहाँ पर, बट ठीक है अभी देखते हैं अगली गाड़ी कितनी दूर जाती है। तो गाइज हमने नेक्स्ट गाड़ी ली है GTA 5 की, और ये सस्ती मर्सिडीज की गाड़ी बोल सकते हैं हम ये, क्योंकि मेरे को ऐसी मर्सिडीज की मैंने गाड़ी देखी है जो कि लाइक लगभग इसी की जैसी है। तो लेट्स सी ये गाड़ी कितनी दूर जाती है, एंड इसकी स्पीड गाइस काफ़ी क्रेजी है भाई, बढ़ती जा रही है यार। क्या ये 350 भी पार कर जाएगी यार? ओ भाई 350 क्रॉस, 360 क्रॉस, 370, 380 भाई, ऑलमोस्ट 400 गाइस, ऑलमोस्ट इस गाड़ी ने 400 की स्पीड टच करी थी, और ये जंप तो काफ़ी दूर तक करने वाली है। एंड ओ भाई साहब गाइस, मेरे को लगता है ये गाड़ी भाई सबसे ज़्यादा दूर लैंड हुई है। फिलहाल अभी देखते हैं अगली गाड़ी का क्या होता है। तो गाइस हमने अगली गाड़ी ली है गाइस अपनी मॉन्स्टर बीस्ट यार फोर्ड एंडेवर गाइस, और लेट्स गो भाई फोर्ड एंडेवर, तुम यार कुछ जलवे दिखा दो, क्योंकि मेरे को लग रहा है भाई GTA 5 की गाड़ी ये बाजी मार सकती है, क्योंकि एक गाड़ी बहुत आगे पहुँच चुकी है गाइस यहाँ पर। लेट्स सी क्या होता है भाई, उसकी स्पीड यार काफ़ी क्रेजी थी यार, मजाक से हट के बहुत ज़्यादा खतरनाक स्पीड थी। फिलहाल अपनी मॉन्स्टर बीस्ट एंडेवर वो ये 350 ही टच कर पाएगी। हाँ भाई 350 प्लस, मतलब ज़्यादा नहीं, दो चार नंबर ऊपर गए थे। और लेट्स सी क्या होता है, ओ भाई ये तो बहुत पीछे लैंड हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा पीछे लैंड हो रही है अपनी एंडेवर, और ओके गाइस अपनी एंडेवर बस यहीं तक आ पाई है। तो गाइस हम अगली गाड़ी जो ले जा रहे हैं वो GTA 5 की एक सस्ती रेंज रोवर है। हाँ ये सस्ती रेंज रोवर की कॉपी है, पूरी की पूरी डेट्टो कॉपी करेगी है भाई रेंज रोवर की यहाँ पर। एंड चलो गाइस देखते हैं भाई सस्ती रेंज रोवर क्या कमाल करती है भाई, स्पीड इसकी भी गाइस काफ़ी क्रेजी बढ़ रही है यार, तुम लोग देख सकते हो भाई गाड़ी क्या खतरनाक स्पीड से जा रही है। ओ भाई ठीक है स्पीड लगभग 350 तक ही जाएगी मेरे को लग रहा है। हाँ भाई 350 की स्पीड जाने वाली है गाइस इसकी यहाँ पर, ओके गई थी बट कम हो गई भाई जंप के टाइम पे, और ये गाड़ी थोड़ा सा पीछे जंप कर रही है। अभी ब्रेक मारते हैं अपन इसके, और ओ भाई बस यहीं तक जो है ये गाड़ी आ पाई है, अब देखते हैं अगली गाड़ी कितनी दूर जाती है। तो गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस अपनी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, तो फटाफट जंप कराते हैं भैया इससे, क्योंकि गाड़ियां गाइस अभी बहुत सारी बची है यार, और मेरे को लग रहा है आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि भाई गाड़ियां ही इतनी है यार, मैंने काउंट ही करी थी गाइस टोटल पता है अपने चैलेंज में आज 24 गाड़ियां हैं, तो समझ रहे हो भाई 24 गाड़ी को जंप कराने में कितना टाइम लगेगा यार। और अगर एक गाड़ी अगर सोचो 1 मिनट भी ले रही है जंप के टाइम पे, तो भाई 24 मिनट तो वैसे ही हो चुके। फिलहाल ये ओ भाई इनोवा की स्पीड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी गाइस, लेट्स सी ये गाड़ी कितनी दूर जाने वाली है। फिलहाल ब्रेक मारने तो पड़ेंगे क्योंकि रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, और बस ये गाड़ी यहीं तक आई है। तो गाइस हमने अगली गाड़ी जो ली है वो एक GTA 5 की SUV कार है, और ये भी लाइक लगभग सिमिलर कार, मतलब उसी की जैसी है जो हमने थोड़ी देर पहले अभी टेस्ट करी थी, बट इसका नाम थोड़ा सा अलग है। एंड लेट्स सी गाइस ये वाली SUV भाई कितनी दूर जाने वाली है। फिलहाल तुम लोग देख सकते हो भाई गाड़ी तो नज़र भी नहीं आ रही है भाई, काफ़ी छोटी दिख रही है क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। एंड लेट्स सी गाइस क्या होता है भाई, क्या मतलब मेरे को नहीं पता यार, आई हैव जीरो आइडिया गाइस कि कितनी दूर जाने वाली है। फिलहाल इस बार मैंने थोड़ा जंप का एंगल चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ियाँ एक ही जगह पर अगर जंप करेंगी ना तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगी। फिलहाल ब्रेक मारने पड़ेंगे और बस बस रुक जाओ भाई, सही बता रहा हूँ GTA 5 की गाड़ियों की ना ब्रेकिंग यार काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस अपनी नेक्स्ट कार है गाइस अपनी XUV 300 गाइस, और भाई काफ़ी दिनों बाद मैं XUV 300 को यहाँ पर चलाने वाला हूँ, मतलब लाइक काफ़ी टाइम हो गया हमने इस गाड़ी को भाई चलाया नहीं है। हालांकि ऐसा वीडियोज़ में तो तुमने ड्रैग रेसेस वाली में देखी होगी, बट एक्चुअल में हम लोगों ने कभी भी नहीं चला के देखा, तो आज चलाने का मौका मिला है। और भाई XUV 300 काफ़ी क्रेजी स्पीड है यार, लाइक 360 प्लस, ओ भाई नाइस 370 तक गई है भाई, ओ लेट्स गो गाइस देखते भाई कितनी दूर जाने वाली है। फिलहाल यहाँ पर ओ भाई इनोवा तो हिली भी नहीं यार, ओ शिट भाई ये क्या हो गया भाई XUV 300 के साथ गाइस। गाइस अपनी नेक्स्ट कार है गाइस अपनी GTA 5 की, और ये एक सस्ती महिंद्रा बुलेरो हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये बुलेरो मतलब ये बुलेरो नहीं है टाटा सुमो है। हाँ भाई ये सस्ती टाटा सुमो है गाइस, एंड फिलहाल देखते हैं गाइस भाई ये वाली गाड़ी कितनी दूर जाने वाली है, मतलब कितना दूर तक ये जंप कर सकती है। वैसे जंप पॉइंट तो वैसे काफ़ी पीछे ही रहेगा मेरे को पता है, बट रुकेगी कितनी दूर जाके वो एक लाइक क्या बोलते हैं सवाल है। हाँ क्योंकि यहाँ पर देखो गाइस ऐसा है ना, जंप वाला पॉइंट याद रखना बहुत मुश्किल है, और हम लोग बस यही कर सकते हैं कि गाड़ी जहाँ पर रुकेगी भाई वहीं उसका जंप पॉइंट मान सकते हैं।
तो ये गाड़ी यहाँ पे आके रुक चुकी है। तो गाइस नेक्स्ट कार है गाइस अपनी गैंगस्टर S11। और भाई साहब S11 से मेरे को थोड़ी सी लाइक उम्मीदें हैं यार कि ये गाड़ी गाइस कमाल करके हमें दिखा सकती है अगर इसने चाहा तो, क्योंकि ये गाड़ी भाई बहुत टाइम से हम लोग चला रहे हैं, तो मे भी कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए। फिलहाल स्पीड से पता लग जाएगा कि रिजल्ट क्या रहने वाला है। एंड ओ भाई स्पीड तो लाइक एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट में रही है, तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये गाड़ी इतनी हाई स्पीड तक जा सकती है। अब देखते हैं गाइस रिजल्ट क्या रहने वाला है। फिलहाल गड्डी जंप आ रही है और ओके नॉट बैड स्कॉर्पियो S11, काफ़ी इम्प्रेस हुआ मैं यार। गाइस अभी हम लोग GT5 की गाड़ी ले जा रहे हैं और ये गाड़ी कुछ मेरे को याद आ रहा है पोर्शे F30 करके कार आती है ना, ये उसकी जैसे मेरे को लग रही है। मतलब एक SUV तुम लोगों ने देखी होगी पोर्शे की, शायद ये उसी की तरह है। अब देखते हैं फिलहाल रिजल्ट क्या रहता है इसका, क्योंकि मेरे को नहीं पता भाई, मैंने इन गाड़ी को लाइक कभी भी नहीं चलाया है, एक आध बारी चलाया होगा और उससे मेरे को इतना जजमेंट नहीं है। एंड लुक एट दिस गाइस, भाई स्पीड तो इसकी बहुत क्रेजी है यार, काफ़ी क्रेजी स्पीड है। देखते हैं भाई क्या होता है, कितनी दूर जा पाती है। एंड ब्रेक, ओ भाई काफ़ी खतरनाक क्रैश था यार। तो गाइस अभी हम लोग लेके जाने वाले हैं यहाँ पर हैरियर को, और भाई टाटा की गाइस अभी तक शायद हमने एक भी गाड़ी को ऐसा टेस्ट नहीं करा है, तो चलो अभी टाटा हैरियर को लेके चलते हैं और देखते हैं गाइस भाई अपनी टाटा की गाड़ियाँ क्या कमाल कर रही हैं। फिलहाल हैरियर की स्पीड तो भाई बढ़ती जा रही है बस बढ़ती ही चली जा रही है, और भाई रुकने का नाम ही नहीं रहा भाई, स्पीडोमीटर यार रुक ही नहीं रहा है, तब से कंटिन्यूसली चले पड़ा है। एंड ओके अब जाके स्पीड चली हुई है भाई, 370 तक गड्डी गई है गाइस यहाँ पर। एंड लुक एट दिस, देखते हैं भाई कितनी दूर जाएगी ये। ओ ब्रेक मारने पड़ेंगे, भूल गया, ओ शिट यार महिंद्रा बोलेरो ने उसको रोक लिया, वरना शायद ये थोड़ा और दूर तक जाती। गाइस अभी हम लोग GT5 की जो गाड़ी लेके जा रहे हैं ये कॉपी करी गई है पैशन फ्यूरियस मूवी से, तो इस गाड़ी की एक खास चीज़ है और वो ये है कि ये गाड़ी आगे से व्हीली मारती है भाई। एंड लुक एट दिस भाई, क्या लंबी मस्त व्हीली मारती है। फिलहाल इसका पीछे का टायर देख रहा हूँ कितना ज़्यादा चौड़ा है। अब मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती है यार कि अगर इसमें इतना चौड़ा टायर है ना, तो क्या ये गाड़ी माइलेज देती होगी गाइस, क्योंकि लोगों की ऐसी थ्योरी होती है कि जिस गाड़ी का टायर मोटा रहता है वो माइलेज कम देती है, तो ये गाड़ी कितना माइलेज देती होगी यार। मेरे हिसाब से तो ये बस ऐसा शोबाजी के लिए बंदे ने बनाई होगी, क्योंकि माइलेज तो भैया से घंटे एक्सपेक्ट नहीं करा जाता, क्योंकि स्पीड भाई बहुत कम रह गई यार। मतलब ये चीज़ तो साबित हो गई भाई, चौड़े टायर से गाड़ी की स्पीड में भी फ़र्क आता है, और ये गाड़ी बहुत पीछे लैंड हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा पीछे है यार, ये अब तक की सबसे पीछे रहने वाली कार है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग लेके जाने वाले हैं गाइस टाटा सफारी डाइकोर को, और लेट्स सी गाइस टाटा सफारी डाइकोर का रिजल्ट क्या रहता है। एंड मैं इस गाड़ी से यार काफ़ी ज़्यादा होप लगा के बैठा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है गाइस ये ओल्ड इज़ गोल्ड कार है, तो शायद कुछ बात बन सकती है इंडियन कार की। लेट्स सी क्या रहता है, स्पीड से आइडिया लग जाएगा, और यार स्पीड से ना मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा निराश हूँ यार, क्योंकि स्पीड उतनी बढ़िया गई नहीं जितनी मैंने एक्सपेक्ट लगा के रखी थी, मतलब सोच रखा था। फिलहाल जंप भी भाई बहुत छोटा जंप है गाइस, बहुत ज़्यादा छोटा जंप है, और बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है यार ये कार को। तो गाइस हम अगली गाड़ी ले जा रहे हैं GT5 की, और ये ऑडी है गाइस, हाँ ये ऑडी की कॉपी है। तुम लोग अगर मेरी कार फॉर सेल की वीडियो देख रहे होगे तो तुम लोगों को पता होगा कि उस गेम में गाइस एक ऑडी TT करके कार है, और वो लगभग ऐसी ही है। तो इसका मतलब ये जो गेम वाले हैं इन्होंने ऑडी की कॉपी करी गई है ये वाली कार, जो कि ऐसा इसकी रूफ पीछे से निकल के आती है क्या? अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को लगा है ऐसा कोई सिस्टम होगा भाई पीछे से रूफ निकल के आती होगी और ये रूफ कवर हो जाती होगी, बट नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, मतलब फोल्डेबल रूफ नहीं है इसके अंदर, ये पूरी ऐसा खुली गाड़ी है लाइक पहले मूवीज़ में बहुत यूज़ होती थी भाई। फिलहाल जंप देखते हैं, ओके जंप कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसको ना थोड़ा यहाँ पर पार करते हैं ताकि क्या बोलते हैं तो बाकी गाड़ियों को ऐसा डिस्टरबेंस ना हो। तो गाइस अगली गाड़ी हम जो ले जा रहे हैं वो है गाइस अपनी नियो, और मेरे को यार महिंद्रा की जो बुलेरो नियो ना गाइस, इससे सही में मेरे को बहुत उम्मीद है भाई, मैं सही मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली भाई इस गाड़ी से मेरे को बहुत होप है, क्योंकि भाई ये गाड़ी काफ़ी अच्छी स्पीड मतलब भागती है, बहुत अच्छी स्पीड से भागती है यार गेम के अंदर। अब देखते हैं गाइस क्या रहता है रिजल्ट। एंड ओके
एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी हमने हाई पर, निकली लो है गाइस भाई, एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो गई भाई, मैं टूट गया भाई। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को किसी भी गाड़ी पे भरोसा नहीं रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, मजाक भी नहीं कर रहा, सीरियसली गाइस। एंड फिलहाल नियो यहाँ तक आई तो उसको ना अपन इधर साइड में पार्क करेंगे। तो गाइस अभी हम GT5 की जो गाड़ी ले जा रहे हैं वो एक सस्ती रॉयल्स रॉयस की कॉपी है, और इसकी ओ भाई गाइस इसमें फोल्डेबल रूफ है भाई, ये देखो ओ भाई साहब, गाइस भाई भाई ये तो सही में रॉयल्स रॉयस निकली यार, मतलब पूरी रॉयल्स रॉयस की कॉपी है भाई ये कार। एंड इसमें आगे जो लोगो है ना वो चेंज कर दिया है, क्योंकि रॉयल्स रॉयस में ऐसे ही लोगो आता है। एंड इसकी रूफ हट क्यों नहीं रही है भाई, अब मतलब एक बार अनफोल्ड से फोल्ड हो गई, अब अनफोल्ड नहीं हुई क्या दोबारा। फिलहाल वो सब छोड़ते हैं, साइड में रखते हैं, अभी स्पीड देखते हैं और जंप देखते हैं क्या रहता है गाइस। ओके काफ़ी ठीक ठाक जंप लिया है गाड़ी ने, बट गाड़ी यार ऐसा लग रही है काफ़ी हैवी वेट कार है ये, तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाई है। एंड ओके ये गाड़ी बस यहीं तक आई है, तो अपन इसको ना यहाँ पर इसके बाजू में पार्क कर देंगे। और रूफ ओ भाई हो रही है गाइस, ये देखो इसकी रूफ जो है अनफोल्ड हो रही है, और मैं बाहर उतर जाऊंगा तो ये पूरी की पूरी अपने आप ही अनफोल्ड हो जाएगी, क्योंकि एक बार इसको कमांड जा चुकी है। गाइस अभी हम लोग ले जा रहे हैं गाइस अपनी महिंद्रा की XUV500 को, और लुक एट दिस गाइस, देखते हैं भाई क्या होता है भाई। मेरे को नहीं पता XUV500 क्या कमाल कर सकती है, क्योंकि अब अपने पास में जितनी भी इंडियन कार बची है ना गाइस, मैं उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सही में नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वो गाड़ियाँ लाइक किस लेवल तक जा सकती है, मेरे को मोटा मोटा आइडिया है। तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता इन गाड़ियों के बारे में, क्योंकि मेरे को नहीं पता है एक्चुअल में रिजल्ट क्या रहने वाला है। फिलहाल XUV500 का भी जंप गाइस अपन देख लेते हैं भाई कितनी दूर जाता है। और भाई कुछ ज़्यादा खास नहीं है भाई, कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। एंड ये गाड़ी एग्जैक्ट यहाँ पर है, मतलब इसके बराबर में ये वाली गाड़ी के, तो यहीं पर पार्क कर देते हैं। गाइस अभी हम लोग ले जा रहे हैं GT5 की गाड़ी, और एक्चुअल में अगर बताया जाए तो गाइस ये वाली गाड़ी काफ़ी फेमस है भाई GT San Andreas गेम से। हाँ भाई मजाक से हट के ये गाड़ी तुम लोगों को याद होगा, ये GT5 मतलब GT San Andreas में एक मिशन होता है ऐसा डांसिंग कार का, तो मैं सही बता रहा हूँ ये लाइक लगभग वैसी ही गाड़ी है भाई, बस इसका ना सस्पेंशन ऊपर ही उठ रहा। अगर सोचो इसका सस्पेंशन ऊपर उठे और ये ऐसा साइड में इधर उधर डांस करे भाई, कितना मस्त लगेगा ना। तुम लोग अच्छा कमेंट में बताना कि GT San Andreas में वो वाला मिशन कितने लोगों ने ऐसा खेला है और कितने लोगों ने मतलब देखा है। भाई मैंने तो वो वाला मिशन कई बार लाइक खेला है खुद से, क्योंकि बचपन में मेरे को भाई मजाक चढ़ के मैं भाई बहुत गेम खेला हूँ यार, सही में भाई मैंने बहुत पैसे बर्बाद करे यार घर वालों के, क्योंकि मैं गेमिंग कैफे में जाके भाई गेम खेलता था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है तुम्हारे भाई के पास PS3 नहीं था जिस टाइम पे शायद GT San Andreas से मैं इंस्टीट्यूट हुआ था, लाइक मेरे को पता लगा था कि हाँ GT San Andreas नाम का भी कोई गेम है। और मैंने पहली बार उसको किसी बंदे को खेलते हुए देखा था, और भाई पहली बार से मैं GTA का फैन हो गया था यार मजाक से हट के भाई। तो गाइस अभी हम लोग ले जा रहे हैं गाइस अपनी XUV700 को, और भाई 500 तो कुछ कमाल नहीं कर भाई, अब 700 की बारी है भाई, देखते हैं क्या होता है यार। नंबर तो बड़ा है भाई, बट एक्चुअल में रिजल्ट क्या रहेगा आई हैव जीरो आइडिया। तो मैं भाई यहाँ पर इस गाड़ी को लेकर कुछ भी नहीं मतलब टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मतलब कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि ये गाड़ी ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, जो कुछ होगा गाइस तुम लोगों के सामने होगा। और स्पीड की बात करी जाए तो हाँ ठीक है एवरेज स्पीड है, मतलब इस रैम पे ज़्यादातर गाड़ियों की यही स्पीड रही है, तो इसका भी स्पीड एकदम एवरेज रही है। और जंप भी खास नहीं है भाई, कुछ खास जंप नहीं है। एंड इसको अपन इधर साइड में पार्क कर। गाइस अभी हम लोग ले जा रहे हैं GT5 की गाड़ी, और ये एक सेडान कार है, लाइक ये कहीं ना कहीं मर्सिडीज़ की कॉपी लग रही है, क्योंकि मर्सिडीज़ की सेडान कार मर्सिडीज़ कूप करके आती है ना, वो उसी की जैसे मेरे को लग रही है। फिलहाल इंजन तो भाई का रफ्तार तो जा रहा है भाई, ये तो साउंड सुन रहे हो तुम लोग भाई, ऐसा लग रहा है फटने को ही हो रहा है यार पता ही। अब देखते हैं क्या होता है, रीज स्पीड जो है एवरेज स्पीड है भाई, सारी गाड़ियों की स्पीड इतनी रह रही है गाइस, मैं एक चीज़ तो समझ चुका हूँ, मतलब कुछ कुछ गाड़ियाँ हैं जिनकी स्पीड अच्छी रही है इनसे भी ज़्यादा, बट ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द गाड़ियों की एवरेज स्पीड इतनी रही है। और भाई ये गाड़ी तो काफ़ी दूर आ गई, लाइक इसके ब्रेक सही में यार बहुत घटिया है भाई। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर लेके जा रहे हैं गाइस महिंद्रा की बुलेरो कैंपर को, जो कि एक कमर्शियल व्हीकल है। हाँ वैसे मेरे को लगता नहीं है कोई पर्सनल व्हीकल ऐसा यूज़ करता होगा। अच्छा तुम लोग में से ऐसा कोई बंदा है जिसके घर पे ऐसा ये गाड़ी हो कैंपर,
मेरे को लगता नहीं है यार, क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादातर लोग कमर्शियली यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, इसका लुक तुम लोग देख सकते हो, कैंपर का पूरा कमर्शियल वाला है, और ज़्यादातर लोग भाई इसको ना शायद से लोग उसमें डीजे करके होता है ना, उधर राजस्थान में गाइस ये चीज़ें बहुत चलती है भाई, डीजे ट्रक बनाने में लोग ज़्यादा यूज़ करते होंगे मेरे को ऐसा लगता है। फिलहाल कैंपर, ओ भाई भाई, अरे 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 अरे, पीछे क्या हो गया भाई, पीछे कुछ तो खतरनाक गिलिच हुआ था, पता नहीं कुछ तो हुआ था भाई। गाइस अभी हम लोग ले जा रहे हैं गाइस यहाँ पर GT5 की सस्ती वाली मस्टैंग। हाँ भाई, ये पूरी मस्टैंग है एंड लेट्स गो, काफ़ी हैवी मसल कार है यार, लाइक मसल गाड़ियाँ चलाने में मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि भाई जो ये टॉर्क निकालती है ना भाई, आ हाँ मज़ा आता है भाई, टायर एक ही जगह पे जो स्पिन मारते हैं वो चीज़ देख के मेरे को काफ़ी मस्त लगता है। फिलहाल देखते हैं गाइस सस्ती मस्टैंग, और भाई भाई ये तो कैरेट आ रही है, अबे इसकी स्पीड देखो, अबे भाई ऑलमोस्ट 390 गई थी गाइस ये, एंड क्या ये दूर जा पाएगी? ओ नहीं, नहीं जा पाएगी भाई, गाड़ियों ने इसे रोक लिया, वरना ये सही में यार थोड़ी दूर तो जाकर रुकती। तो गाइस हम लोग अपनी इंडियन कार की लास्ट कार को लेके जा रहे हैं, अब ये बस आखिरी गाड़ी बची है भाई इस चैलेंज की, मतलब इस चैलेंज में, हाँ इस चैलेंज में इंडियन कार की लास्ट गाड़ी है ये महिंद्रा थार गाइस अपनी, एंड फिंगर क्रॉस अगर महिंद्रा थार ने यहाँ पर कुछ जलवा दिखा दिया तो दिखा दिया, वरना भाई तुम लोग अगर वीडियो अच्छे से अभी तक पूरी देखते आ रहे होगे तो तुम लोग को रिजल्ट मिल चुका होगा कि आज जो है गाइस सबसे लंबा जंप करने वाली गाड़ी कौन सी रही है यहाँ पर। हाँ मैं खुद से नहीं बताऊँगा, तुम लोगों ने अगर वीडियो पूरी देखी होगी तो तुम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों ने खुद अपनी आँखों से देख लिया होगा कि सबसे लंबा जंप आज कौन सी गड्डी ने करा है। फिलहाल यहाँ पर अपनी थार जो है गाइस उसने हमें पूरा निराश कर दिया भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं मेरा दिल टूट गया भाई। चलो गाइज अपनी चैलेंज की लास्ट गाड़ी को भी ले चलते हो, और ये GT5 की गड्डी है, और ये भी लाइक उसी की तरह बीली मारती है, बट ये उतनी अच्छी बीली नहीं मार पाती है क्योंकि ये उससे ज़्यादा बैटर नहीं है। हाँ ये हो सकता है उससे अच्छी भागे, अब देखते हैं क्या होता है। एंड चलो गाइज फटाक से उतारते हैं इसको भी रैम पे, और इसका नाम है डोमिनेटर। ओ भाई इसका नाम भी डोमिनेटर है, और इससे पहले जो अपनी सस्ती मस्टैंग लेके गए थे ना उसका नाम भी डोमिनेटर ही था। एंड व्हाट गाइस, भाई ये गाड़ी के साथ में कुछ तो हुआ है भाई। ओ अच्छा भाई, इसकी टॉप स्पीड ही इतनी है भाई, अबे यार ये क्या है भाई, इसका इंजन ऐसा लग रहा है दम तोड़ दिया भाई उसने, और स्पीड ज़्यादा खास नहीं है भाई, 234 की भाई ये इसकी स्पीड, मतलब इसका जंप तो सबसे कम रहने वाला है, सबसे पीछे जंप इसी गाड़ी ने करी, मतलब हाँ मैं बोल ही रहा था सबसे पीछे इस गाड़ी ने ही जंप कराया गाइस। तो गाइस तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आज की अपनी पूरी इस वीडियो में विनर कौन सी गाड़ी रही है, मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ भाई यहाँ पर कितने लोग जो हैं अच्छे से वीडियो को देखते हैं, कितने नहीं देखते हैं, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड भी तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो फिलहाल जो है गाइस आज की वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और गाइस अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर रहा है, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और हाँ मेरे को कमेंट में बताना ज़रूर से कि आज के इस चैलेंज में विनर यहाँ पर कौन रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।